अगर इंसान, चिंपैंजी, गोरिल्ला या बंदर का विकसित रूप है, तो अब सवाल यह आता है कि स्टोरी से आज के बंदर, चिंपैंजी या गोरिल्ला में कोई भी बदलाव देखने को क्यों नहीं मिलता? जब उस समय के होमिनिड या बंदर बिना किसी को देखे खुद ही धीरे धीरे सब कुछ सीख गए, तो आज के बंदर या चिंपैंजी इंसानों को देखकर भी कुछ क्यों नहीं सीख पाते? तो इसका जवाब कुछ यूं मिला कि प्रकृति में किसी प्रजाति का एवोल्यूशन या विकास तभी होता है जब उसे विकास की जरूरत होती है। होमिनिड से इंसानों का विकास इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने पेड़ों से उतरकर जमीन पर चलने का रास्ता चुना था। वे अपना जीवन बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खुद में विकास किया। लेकिन गोरिल्ला या चिंपैंजी को ऐसा करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। वे पेड़ों पर ही खुश हैं और इसलिए वे अपना विकास करके इंसान बनने की कोशिश नहीं करते। लेकिन अब सवाल यह है कि आज के बंदरों को इंसान बनने की जरूरत महसूस क्यों नहीं हो रही? अब तेजी से जंगल कटते जा रहे हैं, जंगली जानवरों का तेजी से शिकार हो रहा है, जंगलों में आए दिन भयंकर आग लगने की घटनाएं हो रही है, यहाँ तक कि कुछ प्रजातियां तो लुप्त प्राय जानवरों तक की कैटेगरी में शामिल हो चुकी हैं। ऐसी परिस्थितियों में आखिर किसी बंदर, चिंपैंजी या गोरिल्ला ने ये कैसे सोच लिया कि अभी हमें तो विकास की जरूरत ही नहीं है, इसलिए अभी हमें नहीं बनना इंसान। दूसरी बात कि अगर आप अफ्रीका के जंगलों में जाकर देखेंगे तो पाएंगे कि आज भी जंगलों में जो आदिवासी रहते हैं वे किसी भी तरह के दूसरे वातावरण या माहौल को सहन नहीं कर पाते और न ही वे अपनी स्थिति में बदलाव लाना चाहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहने वाले जारवा आदिवासियों के लिए कहा जाता है कि ये आदिवासी करीब 50,000 सालों से मुख्य समाज से कटकर जंगलों के बीच निवास करते हैं और ये बेहद खतरनाक होते हैं। अगर जंगलों में रहने वाले आदिवासियों को शहरी वातावरण में लाने की कोशिश की जाती है तो वे ज्यादा दिनों तक जीवित ही नहीं रह पाते। आप भी देखते होंगे कि जिन बंदरों को शहरी वातावरण में लाकर कई सुख सुविधाएं दी जाती हैं और उन्हें इंसानों की तरह ही जीना सिखाया जाता है, वे इंसानों की तरह बनने के बजाय और भी कमजोर होते चले जाते हैं। तो फिर इस बात पर यकीन कैसे किया जाए कि उस समय जंगलों में रहने वाले बंदर जरूरत के हिसाब से धीरे धीरे अपने अपने आप ही सब कुछ सीखते चले गए और उनमें इतना बड़ा बदलाव देखने को मिला? इसी के साथ आप आज किसी भी तेज दिमाग वाले व्यक्ति से भी पूछ लें कि जब उसे किताबों से नहीं बताया गया था या उसे किसी ने बताया नहीं था, तब तक क्या वह यह बात जानता था कि दो पत्थरों को रगड़ रगड़ कर आग जलाई जा सकती है, और क्या वह बिना प्रैक्टिस के पत्थरों से आग जलाकर दिखा सकता है? लेकिन जिन आदि मानवों के दिमाग का विकास भी नहीं हुआ था, उन्होंने अपने आप ही आग जलाना सीख लिया, यह बात गले से नहीं उतरती। तीसरी बात कि जानवरों और पक्षियों की कई ऐसी प्रजातियां हैं जो हजारों लाखों सालों से आज तक अपने स्थान पर आए मौसमी बदलावों की वजह से हर साल ग्रुप बनाकर सैकड़ों मीलों का सफर तय करके प्रवास करने के लिए दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं और फिर वापस अपने स्थानों पर लौट आते हैं। अगर ये बात सही है कि इंसान, बंदर, चिंपैंजी आदि के प्राइमरी सोर्स या पूर्वजों ने पृथ्वी पर और बदलावों के चलते अपना स्थान बदलने का फैसला किया, तो इस वजह से उन्होंने पेड़ों से उतरकर जमीन पर दो पैरों पर चलना शुरू किया, ग्रुप बनाकर शिकार आदि करना सीखा और इसी से उनकी शारीरिक बनावट, बुद्धि और आदतों में अंतर आता गया और वे इंसान बनने की राह पर चल पड़े। तो फिर इसी थ्योरी से हजारों लाखों सालों से प्रवास करने वाले उन जानवरों या पक्षियों की शारीरिक बनावट में कोई अंतर क्यों नहीं आया? उन्होंने इतने सालों से क्यों एक भी नई चीज नहीं सीखी? क्यों इन प्रवासी जानवर पक्षियों का वर्णन हजारों सालों पुरानी किसी किताब में भी वही मिलता है जैसे वे आज है? यानी जब से मानव सभ्य बना तब से क्यों किसी भी दूसरे जीव जंतुओं में कोई विशेष बदलाव देखने को नहीं मिला? हाँ, ये बात सही है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग जलवायु, तापमान, प्राकृतिक साधन और रहन सहन के अंतर के चलते किसी भी प्रजाति की शारीरिक बनावट, उसकी आदतों आदि में बदलाव आ जाता है। जैसे इंसान के बीच रहने वाली बिल्ली और जंगलों में रहने वाली बड़ी बिल्ली या चीते, बाघ आदि में बहुत अंतर होता है, और यही बात हम इंसानों में भी है। लेकिन ये अंतर इतना बढ़ जाए कि कोई जानवर ही इंसान या किसी प्रजाति की पूरी तरह पहचान ही बदल जाए, इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है।